मुझे कल बहुत नींद आ रही थी। हाँ कल मैं बहुत थक गया था, बहुत नींद आ रही थी मुझे। अच्छा ठीक है, अब मिस मत करना, आप डेली आना। हा? हाँ आप आते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। रात में जल्दी सो जाना। हाँ रात में मैं 9 बजे सो जाता। चलिए चलिए हम लोग अभिषेक स्टार्ट करेंगे। हेलो भाई अनमोल। अनमोल हाँ हाँ दादा जी, शुरू करें। हाँ करो दादा जी। पाशा भगवान की जय। नमो यंताणम, नमो 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 वज्रयाणम, नमो लोए सब साउनम। अरिहंत नमो यंताणम बोलते समय, कायोत्सर्ग बोलते समय सभी लोगों को पंच परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए। अभियंताणम बोले ऐसे नहीं कि एक लेट डाउन प्रोसीजर जैसा हम बोल रहे हैं बस। अभियंताणम बोल रहे हैं तो अरिहंत भगवान का, सिद्धाणम बोल रहे हैं तो सिद्ध भगवान की मूर्ति आपके सामने कल्पना करना चाहिए। आर्याणम में आचार, उपाध्याय, साधु, पांचों परमेष्टियों की मुद्राएं अपने सामने, आंखों के सामने आना चाहिए। उस प्रकार से नमो अभियंताणम का कायोत्सर्ग करना चाहिए। होस्ट बना दी, को होस्ट बना दीजिए दीदी, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। हाँ ठीक है। चलिए चलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, चलो शांतिनाथ भगवान की जय। सभी लोग अभिषेक करेंगे बड़े ध्यान, बड़ी शांति के साथ, पूरे भाव कनेक्ट करते हुए। यही वीतराग मुद्रा हमको इस भाव में या अगले भाव में प्राप्त करना है, इसी भावनाओं के साथ। द्रव्य अनल्प घन सा चतुरा समादय, रामोद्वासित समात दिगंतरालय, मिश्री कृतेन पैसाम दिन पुंग बानम, त्रैलोक्य पावन महम स्मनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल सिंतम प्रतिवादी महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानामादय जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे यारखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते बैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जिन चैत्यालय मध्य आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे तिथि नवयाम दिन सोमवासरे मुनि आरिका श्रावक शब्द का नाम सकल कर्म छायातम सुगंधित जलाभिषेक करोमि नमा। बना मृतुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छून राग्रिम प्रस्फीत ताप मल मुक्ति मपि प्रकष्ट
भक्त्या जलय जिन पतिं बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवंतं कृपाल संतं प्रतिपादि महावीर पर्यंतं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवा माध्यानामादे जम्बूदीपे भरतक्षेत्रे आरखंडे भारत देशे मध्य प्रांते महाराष्ट्र प्रांते बेजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जी चैत्यालय मध्य आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे तिथि नवयाम दिन सोमवासरे मुनि आर्य का श्रावक शाविका नाम सकल कर्म छायातम जलाभिषेक करोमि नमः। इष्टै मनोरथ सतैरि विभव पुंजा पुनै सुवर्ण कलशे निकले बसाने संसार सागर विलंगन हेतु सेतु मपला भये त्रभुने के पतिम दिनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवंतं कृपाल संतं प्रतिपादि महावीर पर्यंतं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवा माध्यानामादे जम्बूदीपे भरतक्षेत्रे आरखंडे भारत देशे मध्य प्रांते महाराष्ट्र प्रांते बैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जी चैत्यालय मध्य आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे नवयाम नवयाम नौमी दिन सोमवासरे मुनि आर्य का श्रावक शायद का नाम सकल कर्म छायार्थम चतुष कलश जलाभिषेक करोमि नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदो फल कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते चतुष्कलश जलाभिषेकम करोमि नमो अरहंते स्वाहा। आज की शांति धारा अमेरिका से नैना जी, जगमोहन जी तथा उनकी सुपत्री निशा जी जैन की ओर से, नीरज कुमार सुराना जी उनके पूरे परिवार की ओर से, डॉक्टर रचना जैन, विनय जैन की परिवार की ओर से, बीजापुर वाले अनमोल जी की परिवार की ओर से तथा जितने भी पार्टिसिपेंट इसमें जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, सभी के परिवार की ओर से आज की ये शांति धारा की जाएंगी उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु और वह सुख समृद्धि। एक नाम और आया था कल, मैंने व्हाट्सएप में भूल गया हूँ, यदि कोई को कराना है तो नाम फिंगर रेज कर दीजिए, नाम बोल देंगे। एक नाम आया था, मैं मिस कर रहा हूँ। 30 तारीख का आया था वो, चलिए सुनीता जी मेहता का आया ना 30 तारीख को। सुनीता जी मेहता का तो नहीं है, वो कल का है 30 का। आज किसी का हो तो बोल दीजिए, जन्मदिन या सालगिरह। चलिए तो हम सभी सभी की तरफ से शांति धारा कर रहे हैं, सब लोग निहार लीजिए भगवान को, उनकी वितराग छवि को निहारिए और पूरी एनर्जी हमको लेना है। देखिए पार्श्वनाथ भगवान की कितनी अच्छी मूर्ति है, पूरे अनुष्ठान में ऐसे ही मूर्ति का, या आप जिस मूर्ति में दर्शन करते हैं रोज, उनका जहाँ से आपको अच्छी से अच्छी एनर्जी मिलती है उन मूर्तियों का ध्यान करिए, उनके दाहिने पैर के अंगूठे से एनर्जी लीजिए, आवाज यहाँ से सुनिए, एनर्जी वहां से लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहंते भगवते श्रीमते पार्थितंकराय द्वादश गण परिवेशिताय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रिलोक बंत कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे दलय प्रणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्रावका प्रमुख चतुस्संगो सर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय। सभी को नष्ट करना है, सभी अपने जो मैं बोल रहा हूँ उनको सबको नष्ट करना है,
अपादम छिन्न भिन्न भिन्न मृत्यु छिन्न भिन्न भिन्न अतिकामम रतिकामम छिन्न भिन्न भिन्न क्रोधम अग्निम छिन्न भिन्न भिन्न सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम छिन्न भिन्न भिन्न सर्वविघ्नम सर्वभयम छिन्न भिन्न भिन्न सर्वराज्य भयम सर्वचोर भयम छिन्न भिन्न भिन्न सर्वदुष्ट भयम सर्वमृग भयम छिन्न भिन्न भिन्न सर्वमात्म चक्र भयम सर्व परमंत्रम छिन्न भिन्न भिन्न सर्वशूल रोगम सर्वक्षय रोगम छिन्न भिन्न भिन्न सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूर रोगम छिन्न भिन्न भिन्न सर्वनर्मानीम सर्वगजमानीम छिन्न भिन्न भिन्न सर्वास्मारीम सर्वगोमारीम छिन्न भिन्न भिन्न सर्वमहितमारीम सर्वधान्यमारीम छिन्न भिन्न भिन्न सर्वब्रक्षमारीम सर्वगुलमारीम छिन्न भिन्न भिन्न सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम छिन्न भिन्न भिन्न सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम छिन्न भिन्न भिन्न सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम छिन्न भिन्न भिन्न सर्वबेतालदाग्नि भयम् सर्वबेदनियम् छिन्न भिन्न भिन्न सर्वमोहिनियम् सर्वकर्माष्टकम् छिन्न भिन्न भिन्न ओम सुदर्शन महाराज ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल सौर वीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंद नाम कुरु कुरु सर्व भव्यानंद नाम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंद नाम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेत करवट मठ पत्र दोन मुख संभानंद नाम कुरु कुरु सर्व लोकानंद नाम कुरु कुरु सर्व देशानंद नाम कुरु कुरु सर्व यजमानंद नाम कुरु कुरु सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिलोकेषु व्याधि विषण वर्जितम् अभयम् क्षेमम् आरोग्यम् स्वस्तिरस्तु विधीयते स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवस्तु कुलगोत्र दंदांत सदास्तु स्वदम प्रभु चंदा प्रभु बासपूज मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पदान शीतलनाथ मुनिशोभितनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ इतेभ्यो जिनेभ्यो नमः इतेन मंत्रेण नवग्रह शांत्यार्थ कंतोतक धारा वर्षणम अस्माकम श्री जगमोज नैना जी जगमोहन जी अमेरिका से तथा उनकी सुपुत्री निशा जी जैन तथा भारत से नीरज जी सुराना उनके परिवार से डॉक्टर रचना विनय जैन उनके परिवार से विजयपुर से अनमोल जी संतोष जी उनके परिवार से जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं सभी की परिवार की ओर से मलेशिया से रजनी जी जुड़ी है उनकी भी परिवार की ओर से और किसी की आज सालगिरह या जन्मदिन हो हम लोग नाम भूल गए हैं तो उनकी भी परिवार की ओर से और सभी पार्टिसिपेंट के परिवार की ओर से आज की शांति धारा करोमी दुख नाश करोमी इतेन मंतेन नवग्रह शांत्यार्थ कंदोतक धारा वर्षणम् संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुराश्च यज्ञ करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र इति बृहत् शान्तिधारा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूपल अर्ध कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ शुरू करेंगे नीरज जी
चैताभारं वासं चक्रवर्ती महिद्यो शांति करे लोए पत्तो गई मणुतरम पत्तो गई मणुतरम। पंच परमिष्टि के चरणों में सत्सत वंदन आराध्य को नमन। उपस्थित सभी साधकगण डॉक्टर अर्चना जी जैन विनय जी जैन आप सभी का संगम फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सभी के जो मैसेजेस आ रहे हैं हमें, आप सभी इतना उत्साह वर्धन देते हैं और आप सभी का इतना आशीर्वाद मिलता है हमें, उसी से हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं और एनर्जी हमारे अंदर डबल आ जाती है, ऊर्जा डबल आ जाती है। इसीलिए शायद थोड़ी बहुत अस्वस्थता आए भी तो भी इच्छा नहीं होती है कि हम ये काम में थोड़ा भी विलंब करें। तो ठीक टाइम पर उठना एक नियमित सा हो गया है, एक रूटीन सी हो गई है, सही टाइम पर उठें। और जो आपका आशीर्वाद और प्रेरणादायी हमें मैसेजेस मिलते हैं उससे हम बहुत ही, आप सभी का नतमस्तक है, आप सभी के आभारी हैं और आप सभी का आशीर्वाद इसी तरह बने रहे। हम आगे चलते हैं ज्यादा विलंब ना करते हुए। डॉक्टर अर्चना जी से मैं अनुरोध करती हूँ आज का प्रोग्राम प्रारंभ करें। ओये देवादिदेव 1008 अभिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। संगम फाउंडेशन हीलिंग सीरीज का आज 42 हमारे हो गए, 42 और 43 दोनों युगल कहे जाते हैं दोनों भी श्लोक को। तो आज 43वां दिन 43वां श्लोक जो कि शरणागत के युद्ध में विजय पाने हैं, यानी जो युद्ध का हमने कल चर्चा की थी वो युद्ध की लड़ाई के लिए था और आज तो ये अस्त्र शस्त्र ही डाल देते हैं, यानी अपनी रक्षा के लिए आज का ये जो श्लोक है वो होगा। तो संगम फाउंडेशन नीरज जी सुराना का बहुत बहुत धन्यवाद तथा विनय जी, रजनी जी और विजयपुर वाले सभी का बहुत धन्यवाद और जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं इस अनुष्ठान में सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को बहुत बहुत जय जय। निशा जी, अजीत जी और जगमोहन जी अमेरिका से हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत है और जय जिनेन्द्र। जब हम मंत्र आज पढ़ेंगे एरोबिक्स में तो वापस उनके लिए आज हीलिंग कर देंगे मंत्रों के माध्यम से। 43 हो गया, 45 नंबर से एक दिन की दूरी पे है, कल का दिन है फिर परसों 45 नंबर है, तो सभी लोग अच्छे से 45 नंबर में जुड़े हुए उसकी हीलिंग लेंगे। ये हीलिंग सीरीज है हमारी, दो पद भक्तांबर की बोलेंगे और अपने कार्यक्रम की ओर। भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योदकं दलित पाप तमोवितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालं वलं भव जने पततां जनानां यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधां दुतभूत बुद्धि पटु भी सुर लोक नाथे स्तोत्रै जगत्तय चित्त हरै रुदारे स्तोषै किल हमपि तं प्रथमं ऋणेन्द्रम। बोली आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। हम एरोबिक्स की ओर चलेंगे। एरोबिक्स में सबको पता है आज हमारा जो पहला स्टेप है, नित्य ही हमें 5000 धनुष ऊपर अरिंत भगवान जो विराजमान है उनके दर्शन हमें पहले करना है और फिर हमारे साथ बहुत से हार्ट के पेशेंट अमेरिका से और यहाँ से भी जुड़े हुए,
इसलिए हम मंत्र को हार्ट पे दोनों हाथ रखेंगे और मंत्र को पढ़ेंगे, उसके बाद हम हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट करेंगे। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीम स्वयं विजित दुर्जय जीव पक्षास तत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जीव पक्षास तत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जीव पक्षास तत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते। मंत्र ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा करिणी शुद्रोपद्रव विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः। शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा करिणी शुद्रोपद्रव विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः। शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा करिणी शुद्रोपद्रव विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः। शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि ओम रीम अरम नमो महुर संवाणम झोम झोम नमः स्वाहा। रिद्धि ओम रीम अरम नमो महुर संवाणम झोम झोम नमः स्वाहा। रिद्धि ओम रीम अरम नमो महुर संवाणम झोम झोम नमः स्वाहा। देखिए हम लोग जब आज अनुष्ठान करेंगे तो अभी जो मंत्र हमने बोला है उसमें चक्रेश्वरी देवी और वो आ रहा है देवियों का देवी जी का नाम आ रहा है तो उसकी जगह में ये महाराज विद्यासागर महाराज की शिष्या प्रसन्नमती माता जी ने मंत्र में कुछ सुधार किया है तो हमारी जो नई बुक है उसमें ये लिखा है ओम नमो जिन शासन प्रसार का है विविधोपद्रव विनाशना है सर्व शांति कराए भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। तो दोनों का मतलब एक ही है उसमें चक्रेश्वरी देवी और इसमें लिख दिया उन्होंने जिन शासन प्रसार का है तो वो जिन शासन का प्रसार वो भी कर रही है और जिन शासन का प्रसार चक्रेश्वरी माता कर रही है तो उनका नाम ना लेते हुए उन्होंने यहाँ पे जिन शासन को प्रसार करने वाले उनके नाम को बोल दिया है तो अभी जो किताब बुक में लिखा है वो ऐसा लिखा है इसलिए कई लोगों के क्वेश्चन आते थे कि बुक में ये लिखा है उसमें वो लिखा है तो माता जी ने कुछ चेंजेशन किए हैं और उनके अर्थ वही हैं जो होना चाहिए। चलिए श्लोक पढ़ेंगे कार्ड लगा दीजिए। 43 नंबर का श्लोक अस्त्र शस्त्र प्रभाव कारक। डॉक्टर्स भी जहाँ अस्त्र शस्त्र रख देते हैं
ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा ये श्लोक है। और दो युगल श्लोक है इसमें, 42 और 43, क्योंकि दोनों भी युद्ध को लेके ही है। पहला जो श्लोक था कल हमने देखे कि युद्ध निवारण का राज का जो है ये युद्ध को नष्ट करने के लिए। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारी वाह, वेगावतार तरुणातुर योद्ध भीम, युद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षास, तत्पाद पंकज वनाशयिनो लभन्ते। देखिए कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारी वाह, क्या क्या बोले, कुंताग्र भिन्न, वेगावतार तरनातुर योद्ध भीमे, कुंताग्र यानी भालों के अग्रभाग में, कुंताग्र यानी भालों के अग्रभाग से, भिन्न गज यानी बिदारे गए हाथियों के, शोणित वारी खून रूपी जल के, वाह वेगावतार प्रभाव के वेग से उतरने, तरनातुर योद्ध भी मैंने तैरने में व्यग्र युद्धाओं के द्वारा भयंकर युद्ध में, दुर्जय जय पक्ष मुश्किल से जीतने योग्य शत्रुओं के पक्ष को विजित पराजित करके विजय लभन्ते पाते हैं। हम इसका अर्थ देखेंगे, आप पहले एनिमेशन देख लीजिए फिर अर्थ देखते हैं। एनिमेशन दिखा दीजिए, क्षुभित भीषण कलचक्र, तलवारें चल रही है। आपने जो रामायण में भी राम और रावण का युद्ध देखे होंगे, तो ऐसे धनुष बाण आदि सब देखे, गज का भी उसमें देखे आपने, हाथी भी, बड़े बड़े हाथी के साथ भी युद्ध हो रहा था। रामायण का युद्ध 6 महीने तक चला और महाभारत का युद्ध भी आपने देखे, वो मात्र 18 दिन चला, लेकिन 18 दिन में जो 6 महीने में नदियां नहीं बही खून की, वो 18 दिन में खूनों की नदियां बही। तो यहाँ भी यही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हे अनंत शक्तिमान घनघोर भीषण संग्राम हो रहा है। घनघोर भीषण संग्राम यानी घनघोर बहुत भारी भीषण ऐसा युद्ध हो रहा है। और कैसा हो रहा है वो, हाथियों के भर्ची भाले के नोकों से, हाथियों का जो रहता है भर्ची भाले की नोकों से इतना अधिक छेदा बेदा जा रहा है, इतना अधिक छेदा बदा जा रहा है कि उनसे खून की नदियां पानी जैसे बह निकली, ऐसे ही खून की नदियां महाभारत में बही थी। उसके प्रभाव में योद्धा लोग बह रहे हो, उसे तैर कर पार करने के लिए उतावले हो रहे हो, शत्रु पक्ष इतना प्रबल हो कि जीतने में दांतों पसीना आ जाता, इतना प्रबल है शत्रु पक्ष की कुछ पूछो मत, इतनी खून की नदियां बह रही है, उसे तैरने के लिए उसे पार करने के लिए लोग उतावले हो रहे हैं। हे भगवान आपका
वह भक्त योद्धा बात ही बात में ऐसे दूजे दुश्मन को परास्त कर देता है, क्यों वह आपके मंजू चरण रूपी कमलों के शीतल वनों की छत्र छाया में आ पहुंचा है। देखिए, जो भगवान की छत्र छाया में बैठा हो, उनके युगल चरणों में बैठा हो, तो भीषण युद्ध और भाला जो भीषण संग्राम करा रहे हैं, खून की भले ही नदियां बह रही है, यदि वो आपके चरण युगल में बैठा हो तो उसे कुछ हो नहीं सकता, और वो उस चीज को चरण रूपी कमलों के शीतल वनों की छत्र छाया में आ पहुंचा है। वो छत्र छाया में यदि आपके है तो उससे कुछ हो नहीं सकता। आचार्य महाराज ने इतने भयंकर युद्ध का वर्णन किया है इस युद्ध में कि जहाँ गजराज भी कुछ चिघाड़ते हुए तीव्र गर्जना ही कर रहे थे और अश्व जो है घोड़े को हीन हिला रहे, चिल्ला रहे, परंतु आज की समर भूमि का दृश्य भयंकर है कि जिसमें योद्धाओं के भालों के अग्र भाग से समर भूमि के हाथी छिन्न भिन्न हो गए। कल तक तो क्या बताया था कि हाथी की चिंगारी हो रही कल के श्लोक में, और युद्ध हो रहा है, अश्व छिन्न अश्व जो है वो हीन हिला रहे, लेकिन आज तो क्या भालों की नोक का अग्र भाग से समर भूमि के हाथी भी कैसे हो रहे हैं, छिन्न भिन्न हो गए हैं। छिन्न भिन्न होने से उनके शरीर से रक्त का प्रभाव जल के समान हो रहा है, जैसे पानी बह रहा हो, और उस भीषण रक्त प्रभाव में जो सैन्य बल है वो तैर कर पार होने में असमर्थ है। और भीषण रक्त प्रभाव में जो सैन्य बल है वो तैर कर भी पार नहीं जा सकता। उस भयंकर रणभूमि में भी परमात्मा के चरण कमल रूप वन का आश्रय लेने वाले भक्तगण शत्रु पक्ष को परास्त कर अपनी अपनी विजय पताका फहरा रहे हैं। और जो आपके चरण युगल का आश्रय ले रहे हैं वो भीषण युद्ध में भी क्या कर रहे हैं, अपनी जीत का दिन इनकलाब जिंदाबाद का नारे लगा रहे, अपनी विजय पताका फहरा रहे हैं। ये तो हमने बाहरी युद्ध की बात की, महाभारत का युद्ध हमें दिखता है, रामायण का युद्ध हमें दिखता है, पाकिस्तान का युद्ध हमें दिखता है, लेकिन निरंतर जो हमारे अंतरंग युद्ध जो चल रहे हैं, ये तो बहिरंग युद्ध है, लेकिन निरंतर जो हमारे अंतरंग में युद्ध चल रहे हैं, वो युद्ध हमें दिखाई नहीं पड़ते कि हमारी अनंत शक्तिशाली आत्मा और जो अष्ट कर्म रूपी प्रबल सेना है, विरोधी सेना कौन सी है हमारी, कर्म रूपी, और ये संसार रूपी महाप्रांगण में, संसार रूपी रणभूमि में अनंत शक्तिशाली आत्मा और कर्म दोनों की क्या हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, दोनों महासंग्राम कर रहे हैं, महाघमासान युद्ध हो रहा है, क्योंकि आत्मा हमारी कैसी अनंत शक्तिशाली, एक भजन में आता है ना, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी फिर भी देखो पर्यायों में रुली, कर ले तू चिंतन सही, कहते हैं तू सही चिंतन कर ले, अनंत शक्तिशाली आत्मा को भी कर्म परास्त करते आ रहे हैं इतने दिनों से, और अभी भी युद्ध जारी है और आगे भी यह कर्म रूप युद्ध जारी रहेगा, क्योंकि हमें जब तक हमारे अष्ट कर्म नष्ट नहीं हो जाते तब तक हमें कर्मों से लड़ना है, जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हमें कर्मों से लड़ना है, अष्ट कर्मों को परास्त कर, अष्ट कर्मों को नष्ट कर, अष्ट गुण को धारण कर हमें सिद्धत्व की प्राप्ति करना है। एक भजन में एक और बहुत अच्छी लाइन आती है, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पे सोने वाले धरती पर गिरते देखे, जो मखमल पे सोते थे वो मोक्ष पाने के लिए क्या करते हैं, धरती पर सोते हैं, मुनि अवस्था धारण कर ली, धरती उनका बिछोना, दशो दिशाएं उनके वस्त्र और अंबर जिसका उड़ेना, ऐसे वीतराग स्वरूप मुद्रा को धारण करने के लिए निरंतर कर्मों से लड़ाई हमारे अंतरंग में शुरू है, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है,
बाह्य के युद्ध तो हम देख रहे हैं, लेकिन अब हमें अंतरंग युद्ध को भी देखना जरूरी है कि हमें वो कर्मों को परास्त करना है, क्योंकि हमारी आत्मा अनंत शक्तिशाली है, लेकिन वो अपनी शक्ति को विस्मृत कर चुकी है, वो अपनी शक्ति को भुला चुकी है। हमें वो ही शक्ति याद दिलाने के लिए इतना बड़ा अनुष्ठान किया है 48 दिन का, ताकि आपको अपनी आत्मा की अनंत शक्ति का भास हो जाए। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य मेरी आत्मा में भरे पड़े हुए हैं, लेकिन हमें उसका एहसास ही नहीं है। हम बाहर में दुख खोजते हैं, हम बाहर में सुख खोजते हैं, और सारा सुख हमारे अंतरंग में पड़ा है। बाहर से लोग कहते हमें एनर्जी दे दो, हमें एनर्जी दे दो, हम ठीक हो जाएंगे। हम कहते आपके अंदर ही सब है, बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है, मात्र उसको प्रकट करने की देरी है। उस पे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है। उस आवरण को धीरे धीरे छटाइए, पूजा भक्ति पाठ अनुष्ठान बढ़ाइए, उस आवरण को धीरे धीरे हटाइए, तो आप खुद ही एनर्जेटिक हो जाओगे, अपने से एनर्जाइज हो जाओगे। इस प्रकार से हमें अंतरंग युद्धों को जीतना है। बाहर युद्ध की तो बहुत चर्चा अनादिकाल से करते आ रहे हैं, निगोद से लेके ये पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त होते तक हमने बाहरी ही चर्चा की, अंतरंग की कभी चर्चा नहीं की, अपने आत्मा की कभी चर्चा नहीं की, क्योंकि सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, आत्मा तो चर्या का विषय है। हमें चर्या में लाना है, सभी चीजें हम चर्या में लाए और अंतरंग कर्मों को हम देखें, अपने अंतरंग युद्ध से लड़ाई जो चल रही है उसमें कर्मों को परास्त कर अपनी आत्मा की अनंत शक्ति प्रकट करें। इसी भावना के साथ इस श्लोक को मैं बाहरी युद्ध अपने आप जीत जाएंगे, तो हम बाहरी युद्ध अपने आप जीत जाएंगे। फिर ये क्या है हाथी घोड़े और इनके युद्ध, ये तो भगवान की चरण में बैठने मात्र से उसमें इतनी शक्ति आ जाती है, उदरता नहीं है, क्योंकि हमारे भय चल रहे हैं ना अभी 8 भय। तो इसमें क्या था, इसमें जो भय था वो युद्ध का भय था, अब 2 भय और बचे हैं कल परसों, युद्ध का भय इसमें अंचल गढ़ कल और परसों दो। कल जो आएगा हमारा वो समुद्री तूफान का भय आएगा, और परसों 45 नंबर में जो आएगा वो जलोदर रोग का भय आएगा, और 40 में भी एक भय आएगा, 40 तक चलेंगे तो वो बेड़ियों का भय आएगा, जो बेड़ी या पैरों में बंधी थी मान तो आचार्य जी की, काराग्रह का भय। तो 8 भय की चर्चा यहाँ चल रही है। अब हम मंत्र पढ़ेंगे, ओम कार्ड लगा दीजिए, ओम नमो दिन शासन प्रसार काय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। देखो मंत्र बहुत ही अच्छा मंत्र है, ये वाला इसमें क्या है, जो बीजाक्षर है ये बीजाक्षर से निर्मित जो मंत्र है ये सर्व भय विनाशक, सब भयों को नाश करने वाला है, और अस्त्र शस्त्र प्रभावक भी बोले हैं। जैसे कि हम कोई भी मंत्र पढ़ते हैं और डॉक्टर ने यदि आपका ऑपरेशन के लिए अस्त्र शस्त्र उठा लिया और उन्होंने सच्चे भक्ति से मंत्र की आराधना की तो डॉक्टर भी अपने अस्त्र शस्त्र रख देता है, उसे सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। कितने केसेस हमारे पास है कि जो सर्जरी के लिए गए और डॉक्टर ने कहा कि अभी इनको सर्जरी की जरूरत नहीं है। अभी लॉकडाउन में तो कितने ऐसे केसेस है, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे लोग, घर में इसकी आराधना कर रहे हैं, तो कहते हमें तो डॉक्टर ने सर्जरी बताई थी आंखों की इसकी उसकी, लेकिन लॉकडाउन में हम जा नहीं सकते और हमने घर में ही आराधना की तो हमारा ठीक हो गया, अब हमें डॉक्टर ने सर्जरी की जरूरत नहीं बताई है। इस प्रकार से ये जो बीजाक्षर है ये सर्व भय विनाशक है, इसमें जिन शरणागत की रणांगण में विजय का वर्णन है। मैंने अब भी समझाया आपको, जिन शरणागत के रणांगण में जो यह संसार रूपी महारणांगण है, जो कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई का, और जिन शरणागत की रणांगण में यानी हमारे जो आत्मा के हमारे जो अंतरंग में अंतरंग युद्ध चल रहा है उसकी भी विजय पताका हमें फैलाना है और उसको भी विजय प्राप्त करना है, इसका यहाँ वर्णन है। ये आत्म सिद्धि सूचक है पूरे। ओम नमो जिन शासन प्रसार का, जिन शासन की हमें क्या करना है, जिन शासन इंकलाब का नारा लगाना है, उसका प्रचार प्रसार करना है और विविध उपद्रव विनाशना है।
कि लॉकडाउन में जितना जैन धर्म का जिन शासन का प्रचार हुआ है शायद ही कभी हुआ होगा, इतना झूम मीटिंग में और पूरे वर्ल्ड में कि जैन की गाथा गाई जा रही है कि पानी छान के पियो। सिर्फ पानी छान के क्या, लोग तो श्वासें भी छान के ले रहे हैं, सबके श्वासों में छन्ना लगा है आजकल, श्वासें भी लोग छान के लेने लगे। रात्रि भोजन मत करो, शाकाहारी बनो, ये सारे लॉकडाउन में प्रभाव जैन शासन के दिख रहे हैं। और पहले तो इतने हॉस्पिटल ही नहीं थे, लोग हॉस्पिटल कहाँ जाते थे पहले के लोग, घर में मंत्र पढ़ते रहते थे नमोकार मंत्र और ठीक हो जाते थे। आजकल तो जितनी हॉस्पिटल हॉस्पिटल चला तो वो सिर्फ अब कोरोना के लिए पूरे हॉस्पिटल हो गए हैं, बाकी जितनी बीमारियां थी वो सब लोग घर में भक्तांबर पढ़ के घर में शांत भाव से उसको सह रहे हैं। मतलब तो वो बीमारियां भी पता नहीं कहाँ चली गई, क्यों? क्योंकि बाहर नहीं जा रहा इंसान, टेंशन नहीं हो रहा, प्रदूषण कम हो गया है, तो जो बीमारियां है बाकी सारी कैंसर वगैरह उसका कहीं कुछ प्रभाव ही नहीं दिख रहा, सारे प्रभाव उसके कम हो गए धीरे धीरे। एक बार क्या, कोई भी चीज की बहुत उफान आती है और फिर वो थोड़ा धीरा हो जाता है। कैंसर की तो ऐसी उफान आई थी, अभी भी है, कैंसर इतना तेजी से बढ़ा था, लेकिन अभी लॉकडाउन में तो कोरोना के आगे कैंसर भी छोटा हो गया, नीचे चला गया कैंसर भी कोरोना के चक्कर में। तो हॉस्पिटल की सुविधा नहीं होने से लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा संगम हॉस्पिटल खुला है, यहाँ बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों की ठीक हो रही है संगम हॉस्पिटल में। कल ही उसने संध्या जैन ने करा था अपना एक्सपीरियंस शेयर, क्या कहलाती है 250 बार बाथरूम, जब मैं उसको मंत्र सुनाती तो कहती कि मैं पॉट पे बैठ के मंत्र सुनती थी। बताइए इतनी बड़ी बीमारी से वो निजात पा गई। IAS ऑफिसर एक जुड़े हैं हमारे साथ, उनके पैरों की सूजन इतनी भयंकर थी, वो धीरे धीरे पैरों की सूजन कम हो गई, दर्द में राहत आ गई, नींद आने लगी उन्हें। तो ऐसे कितने लोग हैं जो हमारा ये जो संगम हॉस्पिटल खुला हुआ है यहाँ पर कितने लोग ठीक हो रहे हैं, कितनों के डिप्रेशन चले गए, कितने घर के काय क्लेश हो गए। हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको एक दो बीमारी की स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मिलेंगे, यहाँ तो सारे ही डॉक्टर्स मिल रहे हैं आपको, घर के कलर से लेके तो कोई ड्राइवर से लेके तो किसी की बुद्धि कम है किसी पढ़ाई में नहीं निकल रहा है, सारे डॉक्टर्स की व्यवस्था संगम हॉस्पिटल में है। जो 48 मैजिकल टूल्स है वो देखो, ये 48 लोग के अंदर ही सारी व्यवस्था है। कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल नहीं जा रहे, मंत्र पढ़ के ही हमें आराम हो गया। कई लोग कहते डॉक्टर ने तो हमें सर्जरी बताई थी लेकिन दीदी अब उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी। इस प्रकार से ये जो मंत्र है जिन शासन प्रसार का है, जिन शासन की प्रभावना और विविधो द्रव विनाशना है, विविधो उपद्रव, विविध किसी भी विभिन्न प्रकार के उपद्रव, किसी भी प्रकार के हो, हाथी के हो, गज के हो, सिंह के हो, कारागृह के हो, सर्प के हो, किसी भी प्रकार के उपद्रव हो, हमारे अष्ट कर्म रूपी उपद्रव हो, सभी उपद्रव का विनाश करने वाला और सर्व शांति कराए, सबको शांत करने वाला भगवते नमः, ऐसे भगवान को, ऐसे जिनवानी को नमस्कार। और जो इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा, जो इष्ट कार्य की सिद्धि भी करता है, ऐसा यह मंत्र का अर्थ हुआ। अब हम चलेंगे रिद्धि की ओर। ओम भीमरम नमो महोसविणम जों सोम नमः स्वाहा। अब यहाँ पर ओम आपको सब सबको पता है, ओम में 5 परमेष्ठी गर्भित है, भीम में 24 तीर्थंकर गर्भित है, और जो अरहम है यह अहम अहंकार को नष्ट करने वाला है, अरहम राग देश को नष्ट करने वाला है, मान कसाय को नष्ट करने वाला है। महूर संविणम, मेन शब्द जो है नो महूर संविणम, यानी महूर संविणम यानी मधुर स्त्रावी, मधुस्त्रावी जिनों को नमस्कार है, यानी जिनके हाथ में रखा फीका भोजन मधुर रस युक्त हो जाता है। पहले हमने क्या देखे थे, घृत संविणम, घृत रूखा भोजन रखेंगे तो घृतमय हो जाएगा। फिर दूसरे कल हमने क्या देखे, रूखा भोजन रखेंगे तो खीर संविणम, खीर युक्त तो हो जाएगा यानी रस से भर जाएगा। और आज हमने क्या देखे, मधुस्त्रावी यानी जिनके हाथ में रखा फीका भोजन भी मधुर रस से युक्त हो जाएगा।
तीखा भोजन भी कैसा हो जाएगा, मधुर रस से युक्त हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर मधुर रस युक्त भोजन जिनके हाथों में हो जाता है, ऐसे रिद्धिधारी तप के मुनिराज, वो कैसे होता है, उनकी तप से होता है, उनके तप से। सब कहते ना किसी किसी के हाथ में बहुत रस होता है, कहते ना भाई उसके हाथ में बहुत रस है, वो तो कैसे भी खाना बनाए अच्छा ही लगता है। तो उनका जो हाथ है वो तप से कैसा हो जाता है, मधुर स्रावी। जैसे ही तुमने भोजन रखे और वो भोजन यदि रूखा सूखा भी है तो मधुर से, मधुर रक्त से युक्त हो जाता है। मधुर शब्द में जो खांड शर्करा आदि नहीं आ जाते, मतलब गुड़ वगैरह शक्कर ऐसे जो ग्रहण किया गया है, मधुर स्वाद की अपेक्षा इनमें समानता पाई जाती है। जो आहारों को मधु गुण खांड शर्करा के स्वाद रूप परिणमन कराने की सामर्थ्य से युक्त है वो मधुस्त्रावी जीव है। कैसे, गुड़ खांड शर्करा ये जो है ना, ये 6 प्रकार के मधु रस है ये वाले। इसका और अच्छे से अपन डिटेल में देख के फिर और मैं आपको बताऊंगी, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ। मैंने पढ़ा था इसको रत्नाकरण साहब में कि गुण खांड शर्करा आदि ये जो है ये इतने मधुस्त्रावी होते हैं, और इसके 3 जो उल्टे होते हैं वो विष से संबंधित होते हैं, वो यानी इतने जहरीले और कड़ू होते हैं, और ये जो 3 होते हैं गुण मधु गुण खांड शर्करा ये जो होते हैं 3 बहुत मधुर होते हैं। इसका विश्लेषण मुझे थोड़ा याद आएगा तो मैं कभी आगे बताने की कोशिश करूंगी। भाषा में लिखे इसलिए मधुर लिखा है, हाँ इसमें प्राकृत भाषा में लिखा इसलिए इसको मधुस्त्रावी लिख दिया। बाकी मधुस्त्रावी यानी जो मीठा जो रहता शर्करा गुड़ खान ये सब जो है ये मीठा 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 ऐसा बता रहा है, जैसे तीव्र तीव्रतम तीव्रतर ऐसे ये बता रहा है इसको, गुण खान शर्करा और मीठा और मीठा और मीठा और मधुर रस और मधुर रस और मधुर रस ऐसे यहाँ पे बता रहा है कि ऐसे मधुस्त्रावी जिनों को नमस्कार, जिनके तप मात्र से रूखा भोजन भी मधुर रस से युक्त हो जाता है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को यहाँ नमस्कार किया जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अनुष्ठान की ओर। सभी लोग आदिनाथ भगवान को देख लीजिए, फोटो लगा दो एक निकाल के लगाना पड़ेगा। आदिनाथ भगवान की देख लीजिए अच्छे से, उनकी पूरी बॉडी से देखो कैसी गोल्डन कलर की रश्मियां निकल रही है, और वो सारी रश्मियां वो सारी किरणें आपके अंदर समाहित हो रही है, और उनके दाहिने पैर के अंगूठे से जो एक एनर्जी निकलती है, जो पारा निकलता है व्हाइट कलर का, वो एनर्जी आपको लेना है और अपने एंडोक्राइन ग्लैंड से पूरे नर्वस सिस्टम में आपको डालना है। बिजली के भांति चमकती हुई पूरी एनर्जी आपके अंदर जा रही है, और जितने भी विजातीय तत्व है सारे आपकी बॉडी से बाहर जा रहे हैं, हवा में विलीन हो रहे हैं, और पूरा नाड़ी तंत्र सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। बड़े बाबू की जाप, अब हम चलेंगे बड़े बाबा की जाप की ओर। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरम नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरम नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरम नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरम नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरम नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरम नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरम नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरम नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरम नमः। चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र बोल के काल सर्व करिए। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें 9 बार कालसर्प करने मिलता है देवगति में, तो इसकी भी व्यवस्था नहीं। नमो अधिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहू, नमो अधिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहू, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहू,
नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसामणं नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसामणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसामणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसामणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसामणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसामणं। लंबी गहरी श्वास लेंगे, तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। विगावतार तरणातुर योद भीमे
युते जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास तत्पाद पंकज वनाशयिनो लभन्ते कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारि वाह विगावतार तरणातुर योध भीमे युते जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास तत्पाद पंकज वनाशयिनो लभन्ते सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चारित्र्याय नमः ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्वशान्तिकराय भगवते नमः इष्टसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो दिनशासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय
सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधो प्रदो
विनाशना शर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद्रव विनाशना शर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद्रव विनाशना शर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना शर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना शर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना शर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना शर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना शर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना शर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना शर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना शर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना शर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना शर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना शर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना शर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना शर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना शर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना शर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद निवाशना सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय विविधोपद विनाशना सर्व शांति कराय भगवते नमः। इष्ट सिद्धि कुरुकुरु स्वाहा।
ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम गुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार कराय विविधो पद विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः,
सम्यक चारित्राय नमः। रिद्धि पढ़ेंगे। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम ह्रीम नम नमो महूर समीनम झोम झोम नमस्वः। ओम
ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरं अरं नमो महु सविनं झुं झुं नमः स्वाहा सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चारित्राय नमः तीन बार ओम का उच्चारण ओ नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उच्चाणं नमो लोय सप्तश्रावणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उच्चाणं नमो लोय सप्तश्रावणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उच्चाणं नमो लोय सप्तश्रावणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उच्चाणं नमो लोय सप्तश्रावणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उच्चाणं नमो लोय सप्तश्रावणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उच्चाणं नमो लोय सप्तश्रावणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उच्चाणं नमो लोय सप्तश्रावणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उच्चाणं नमो लोय सप्तश्रावणं स्तोत्रस्त जन्तवदिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्तामयारुचिरवर्ण विचित्रपुष्पां न ते जनो यहिकण्ठगतामजस्तं तन्मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी तन्मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय मानतुंग स्वामी की जय अष्टानिका महापर्व की जय नंदीश्वर के सारे कुतिम कुतितिम जिन चेतालय जिन बिंब को नमस्कार 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 प्रक्षाल कर लीजिए गंधोदक ले लीजिए और हमारे साथ रजनी जी है जो कि अतिक्रमण कराएंगी सब लोग गौवासन में बैठ सकते हैं बैठ जाइए गौवासन में दोनों पैरों को पीछे की ओर बढ़ के
जय जिनेन्द्र। सभी लोग भाव प्रतिक्रमण करेंगे। हे अरहंत प्रभु, हे अरहंत प्रभु, खामेमी सव जीवा, खामेमी सव जीवा, सव जीवा खमंतु में, सव जीवा खमंतु में, मिट्टी में सव भयेसु, मिट्टी में सव भयेसु, सवम वैरम मंजम न कहने, वैरम मंजम न कहने, तित्त रामे पश्यंतु, तित्त रामे पश्यंतु, एवं मैं आरोयम, एवं मैं आरोयम, निंदियम गरियम, निंदियम गरियम, दुगच्छनम समम, दुगच्छनम समनम, इवहेन पढ़िकंतो, इवहेन पढ़िकंतो, वंदामि जिने चौविसम, वंदामि जिने चौविसम, देव गुरु धर्म की जय हो विजय हो, देव गुरु धर्म की जय हो विजय हो, आपके श्री चरणों में सविनय, आपके श्री चरणों में सविनय, अनंती बार अनंती बार अनंती बार, अनंती बार अनंती बार अनंती बार, वंदना करके, वंदना करके, आपकी शरण लेकर बोल रही हूँ, आपकी शरण लेकर बोल रही हूँ, पांच भारत पांच ऐरावत, पांच भारत पांच ऐरावत, पांच महाविदेह क्षेत्र में, पांच महाविदेह क्षेत्र में, जितने भी तीर्थंकर केवली, जितने भी तीर्थंकर केवली, गणधर पूर्वधर, गणधर पूर्वधर, आचार्य उपाध्याय, आचार्य उपाध्याय, साधु साध्वी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं, श्रावक श्राविकाएं, हुए थे है और होंगे, हुए थे है और होंगे, तथा उनके द्वारा जो, तथा उनके द्वारा जो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, तप और संयम की आराधना, तप और संयम की आराधना की गई थी, कर रहे हैं और करेंगे, की गई थी, कर रहे हैं और करेंगे, साथ ही उन्होंने जो जिन शासन की भव्य प्रभावना, साथ ही उन्होंने जो जिन शासन की भव्य प्रभावना की थी, कर रहे हैं और करेंगे, की थी, कर रहे हैं और करेंगे, उन सभी का, उन सभी का, देव गुरु धर्म के साक्षी से, देव गुरु धर्म के साक्षी से, अनंती बार अनंती बार अनंती बार अनुमोदन करती हूँ, अनंत बार अनंत बार अनंत बार अनुमोदन करती हूँ। साथ ही निवेदन है कि, साथ ही निवेदन है कि, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में, इस भाव में या पूर्व भाव में, इस भाव में या पूर्व भाव में, तीन करण और तीन योग से, तीन करण तथा तीन योग से, 18 प्रकार के पापों की जो सेवना, 18 प्रकार के पापों की जो सेवना मेरे द्वारा की गई थी, मेरे द्वारा की गई थी, उसके लिए देव गुरु धर्म की साक्षी से, उसके लिए देव गुरु धर्म की साक्षी से, अनंती बार अनंती बार अनंती बार माफी मांगती हूँ, अनंती बार अनंती बार अनंती बार माफी मांगती हूँ, मेरे सभी अपराध क्षमा करें, मेरे सभी अपराध क्षमा करें, यही आपसे अनंती बार अनंती बार अनंती बार प्रार्थना है, यही आपसे अनंत बार अनंत बार अनंत बार प्रार्थना है, मेरी आत्मा सदा सर्वदा सर्वत्र, मेरी आत्मा सदा सर्वदा सर्वत्र, धर्म ध्यान से जुड़ी रहे, धर्म ध्यान से जुड़ी रहे, मोक्ष का रास्ता कभी न छूटे, मोक्ष का रास्ता कभी न छूटे, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी सभी तरह से रक्षा करना, मेरी सभी तरह से रक्षा करना, आनंद मंगल करना, आनंद मंगल करना, यही आपसे अनंती बार अनंती बार अनंती बार प्रार्थना है, यही आपसे अनंती बार अनंती बार अनंती बार प्रार्थना है, घर में परिवार में, घर में परिवार में, समाज में संघ में, समाज में संघ में, देश में विदेश में, देश में विदेश में, सभी जगह पर, सभी जगह पर, शांति संगठन और प्रेम का वातावरण, शादी संगठन और प्रेम का वातावरण बना रहे, सभी स्वस्थ मस्त व प्रसन्नचित रहे, सभी की धर्म आराधना बढ़ती रहे, सभी की धर्म आराधना बढ़ती रहे, देश विदेश में जैन धर्म का, देश विदेश में जैन धर्म का खूब 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 प्रचार प्रसार हो, खूब 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 प्रचार प्रसार हो,
यही देव गुरु धर्म से अनंति बार अनंति बार अनंति बार प्रार्थना है। यही देव गुरु धर्म से अनंत बार अनंत बार अनंत बार प्रार्थना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थ हम, स्वस्थ हम, स्वस्थ हम, ओम नमो आरोग्यम, ओम नमो आरोग्यम, ओम नमो आरोग्यम, नमो आरोग्यो। बोल हे अरिहंत प्रभु, आज का ये शुभ मंगल दिन शुभ अनुष्ठान के साथ हमें जो दिया है इसके लिए हम आपके आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद। तथी जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, नीरज जी, सुराना संगम फाउंडेशन, रजनी जी, संतोष जी, विनय जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और तो सभी पार्टिसिपेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने दिनों से, आज 43 डेज 43 दिन से जुड़े हुए हैं, बहुत धन्यवाद। कल के श्लोक के लिए बोल बता दीजिए। हाँ, कल का जो श्लोक है 44 नंबर का श्लोक आएगा कल, जो कि पहले तूफान के लिए है, जो तूफान आते ना, जो भय निवारक, उसके लिए है। इसको कोरोना के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार का तूफान ही आया है, सबके अंदर उसने भय भी दे दिया है। तो भय निवारक प्रलय तूफान का ही कोरोना के लिए कल इसकी आराधना होगी। ये जो तूफान आया है कोरोना रूपी, इससे सबके अंदर बहुत भय भर गया है, तो वह तूफान रूपी, कोरोना रूपी तूफान का भय निवारने के लिए कल 44 नंबर की आराधना हम करेंगे। तो कल का और परसों का दोनों का ही, दोनों ही श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। परसों 45 नंबर होगा, कल 44 नंबर होगा, तो सभी कोई जरूर जुड़े, क्योंकि 45 नंबर से ऐसे ऐसे असाध्य रोग भी ठीक हुए हैं। आप रोज सुन ही रहे हैं और दीदी ने तो बहुत से ऐसे रोगियों को ठीक किया है। तो आप सभी 44 और 45 दोनों श्लोक में जरूर जुड़े, और किसी की तबीयत ठीक ना हो, कोई चाहता हो तो वो भी जुड़ सकते हैं, और उनके लिए भी आप कर सकते हैं डिस्टेंस हीलिंग भी आप कर सकते हैं, अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स के लिए भी। तो 44 और 45 दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ना दीदी? हाँ, और 48 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को पहले जानकारी बचे हैं अभी चार, कल से चार, सभी बहुत अच्छे। 46 नंबर जो है वो भी हमें बंधन मुक्त करेगा, शरीर रूपी बंधन है ये हमारे पास, हमारी आत्मा को मुक्त करने के लिए, कारागार से मुक्त करने के लिए, किसी भी प्रकार का बंधन यदि आपको है तो बंधन मुक्त। 47 जो है वो अभी तक जो 8 भय थे, वो 8ों भय को एक साथ निकालेगा, पूरी निगेटिविटी। और जो 48 नंबर जो है वो तो पूछो ही मत, वो मोक्ष लक्ष्मी की यातना जो करेगा, लास्ट इज बेस्ट, तो संसार रूपी लक्ष्मी सुख समृद्धि साम्राज्य लेकर उसके चरणों में निश्चित उपस्थित होगी। तो इस प्रकार से चार पांच जो भी श्लोक ये बच्चे हैं लास्ट के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, कल परसों का वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बाकी जो भी सब इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें ज्वाइन कर ले, पार्टिसिपेट। आज किसको लेना अंकल? कल कोई थे ना, उनको बोले थे अपने कल लेंगे बोल करके। कल किसी को बोला था अपने? कल वंदना जैन को बोले थे जहाँ तक हम, नहीं वंदना साहब का हो गया कल, वंदना साहब हो गई थी। अच्छा एक और जुड़े हुए दीदी, नाम याद आया था मुझे, मीनल दोषी, मीनल MI, MINAL, मीनल दोषी है क्या? देखिए मीनल दोषी जी हैं क्या आप? हाँ है। नहीं है तो, लेकिन वो है कि नहीं देखिए। और उसके बाद सुभाष जी जिन्होंने आपको मैसेज दिया था, भोपाल वाले, पहले फिर सुभाष जी को ले लेते हैं। हाँ उन्होंने मैसेज दिया था, आप उनको भी ले लीजिए, फिर मीनल दोषी को। मीनल दोषी तब तक तैयार रहेंगे? हाँ सुभाष भैया,
अनम्यूट करिए। कर लिया है मेरा म्यूट, मेरी चेहरा सामने नहीं आ रहा है। विनय जी आ रहा है, आपको स्पॉटलाइट में ले रहे हैं भैया। आ गए, देखिए पहले दिन उन्होंने सोके बोला था, आज एक बैठ के बोल रहे हैं। कितनी अच्छी भावना है और कितना अच्छा इनका प्रभाव, देखिए अब आप अपने मुंह से बोलेंगे। आज कुछ अलग ही लग रहा है सुभाष जी। अरे बिल्कुल, आप देखिए आज कुछ अलग ही बोलने वाला हूँ, आप अलग लग नहीं रहा हूँ, कुछ अलग बोलने वाला भी हूँ। सभी जितने भी लग रहा है आज, क्या बोल रहे हैं आप, तो दुख में कहा रहे थे। आवाज क्या बोलिए आप, नीरजा जी आदरणीय अर्चना जी और आदरणीय विनय जी को सुभाष जैन का जय जिनेन्द्र और सुप्रभात। 37 वर्ष की लंबी प्रशासनिक नौकरी के दौरान मैंने यह पाया कि कुछ लोग दुनिया में केवल अपने लिए जीते हैं, अपने लिए ही कार्य करते हैं और अपने लिए ही शांत हो जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में बहुत कुछ लोगों के लिए जीते हैं। संगम फाउंडेशन, श्रीमती नीरजा सुराना, आदरणीय डॉक्टर अर्चना जैन और श्री विनय जैन के द्वारा हजारों पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए जो काम कर रहा है उसकी प्रशंसा के लिए सुभाष जैन जैसे व्यक्ति के लिए शब्द कम है। इन तीनों लोगों को मेरा सलाम या सैल्यूट जो 15 अगस्त 26 जनवरी को दिया जाता है वो आज मैं दे रहा हूं। आप तीनों लोग, विशेष रूप से अर्चना जी, नीरजा जी और विनय जी, दुखों तकलीफों को इस माध्यम से मिटाकर सुखों को हम जैसे सामान्य श्रावक को लुटा रहे हैं। इसका कोई मूल्य नहीं है, वो व्यक्ति नहीं समझ सकता जिसको कष्ट ना हो। सुभाष जैन ने विगत 7 दिनों में यह महसूस किया है कि कष्ट क्या होते हैं और डॉक्टर अर्चना जैन, विनय जी और नीरजा सुराना जी के द्वारा कहे हुए शब्दों में कितनी ताकत होती है। आप लोग अपने लिए नहीं, समाज के उस व्यक्तियों के लिए जी रहे हैं जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है जिसके लिए कोई सहायता प्राप्त नहीं होती। मेरा सभी तीनों लोगों के लिए, संगम फाउंडेशन के लिए, डॉक्टर अर्चना जैन के लिए, विनय जी के लिए नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। और डॉक्टर अर्चना जी, मैं तो आपके बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि अभी तो आपकी प्रतिभा का केवल 15% ही आउटपुट हुआ है, 85% इनपुट अभी आपके दिल, हृदय और मन में मौजूद है। और नीरजा सुराना जी और विनय जी के माध्यम से 85% वो आउटपुट जो रहेगा वो समाज के उन लोगों के लिए जो जैन जैन भी होंगे और जैनेतर भी होंगे, क्योंकि अब तो जैनेतर लोग भी इसमें ज्वाइन करने लगे हैं, उनके लिए महान महान उपलब्धि होगी। एक बार पुनः आप तीनों लोगों को सुभाष जैन का वंदन, अभिनंदन और सैल्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको अभी कितने % आराम है 7 दिन में, ये अनुष्ठान में आप बैठ रहे हो, आप मेरे खिले हुए चेहरे को देख रहे हैं ना, वही तो हम बता रहे हैं कि पहले दिन की आवाज और आज की आवाज में बहुत फर्क है। उस दिन कांपता हुआ चेहरा दुखों से और आज खुशी से निहारता हुआ चेहरा। आपका वीडियो दोनों वीडियो हमारे पास है, दोनों पहले वाला भी और अभी 10-15 दिन बाद का भी मिलेगा। हम पूरे ग्रुप बता सकते हैं लोगों को कि ये पहले दिन का इनका चेहरा देख लो 7 दिन बाद। अरे मत दिखाइए पहले दिन का चेहरा, मत दिखाइए आज का चेहरा ही लोगों को देखने दीजिए। आज के चेहरे के देखने के बाद में मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो श्रद्धा, विश्वास और अति समर्पण के साथ में अर्चना जी द्वारा, विनय जी द्वारा और नीरजा सुराना जी द्वारा जो संगम फाउंडेशन के द्वारा महान काम किया जा रहा है, मुझे ऐसा पता लगा है कि उन्होंने अनेक क्षेत्रों में सेवा भाव किया, लेकिन सेवा भाव जो इस क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब आदमी पीड़ित मानवता होती है, कोई व्यक्ति जब किसी भी कष्ट से, रोग से, दुख से, दर्द से कराह रहा होता है और उसको ऐसा लगता है
कि अब कोई दबा नहीं लग रही है, लेकिन एक हीलिंग पावर आप जो दे रहे हैं वह हीलिंग पावर अपने आप में अपार है, उसका विस्तृत विवरण में कर नहीं सकता। कभी आपका कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें कि आप लोगों के अनुभवों को शेयर करने के लिए लाइव कहीं बुलाएं, तो मैं सहर्ष आपके उस सम्मेलन में आने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। मेरा दर्द, मेरी सूजन और मेरा दर्द दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। पता नहीं अर्चना जी का क्या चमत्कार है, या नीरजा जी का क्या चमत्कार है, या विनय जी का क्या चमत्कार है, जबकि मेरे पास अभी जो तीन किताबें सामने रखी हुई हैं, भक्तांबर एक कल्प वृक्ष, ध्यान वैभव और भक्तांबर स्रोत जो 16 फरवरी 2020 को लिखी गई है, इन तीनों का मैं गहन अध्ययन कर रहा हूं। मैं उन सभी पार्टिसिपेंट से एक निवेदन और अनुरोध करूंगा और फिर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप पूर्ण विश्वास, पूर्ण आत्मसमर्पण और पूर्ण ध्यान से यदि इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो सफलता प्राप्त होगी वो कई बार कहा जाता है कि जो चीजें दवाओं से ठीक नहीं होती वो दुआओं से ठीक होती हैं, और जो दुआओं से ठीक नहीं होती है वो मंत्रों और जापों से ठीक होती है। तो नीरजा जी के माध्यम से श्री विनय जी और श्री डॉक्टर अर्चना जैन जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए एक बार मेरी तरफ से पुनः उनका नमन, वंदन, अभिनंदन, सलाम और सैल्यूट। थैंक यू आज हम भाभी जी से भी मिलना चाहेंगे। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट में देखती हूँ, एक मिनट म्यूट हो गए सर। हाँ बताइए, बोलिए, अब आ गई आवाज मेरी। हाँ आंटी जी से मिलाइए। अरे पक्का 100% मिलाएंगे। मैं तो डॉक्टर अर्चना जैन जब मुझे हीलिंग करती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दर्द का 1%, 1.5%, 2% रोजाना दूर हो रहा है। कल मैंने बहुत कोशिश की आपकी वो 84 योनि के कनेक्ट होने की, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पाया। आई एम वेरी मतलब मुझे उसका बड़ा अफसोस है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जब कभी भी आप ऐसे महान प्रोग्राम करते हैं आप इन प्रोग्रामों को हम लोगों को जरूर सूचित कीजिए। अभी तो कुछ जैन जुड़े हुए हैं, मैं उन जैनेतर लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करूंगा जो वाकई में दुखों से और रोगों से, कष्टों से कराह रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस और खिला हुआ चेहरा लोगों के सामने है। आपको कितनी खुशी हो रही होगी ठीक थोड़ा बहुत ठीक होने की, उससे ज्यादा हमको हो रही है। उससे ज्यादा खुशी हमको है कि आपका हमें पहले दिन का दर्द भी पता है और आज का भी हमें पता है, हमने दोनों चीज देखी है। आप वो पहले दिन का चेहरा मत दिखाइए, आज का चेहरा दिखाइए। पहले दिन का चेहरा यदि मैं देख लूंगा तो मैं खुद पुरानी स्थिति में चला जाऊंगा। आज आपको लग रहा होगा आपको पुरानी स्थिति में नहीं जाना है, और आप जो भी थोड़ा बहुत दर्द बचा है वो आपके पैरों में नहीं है, घुटनों में नहीं है, वो आपके दिमाग में है। नहीं वो आपने बिल्कुल सही कहा था अर्चना जी, आपने कहा था कि व्यक्ति का दर्द जो होता है वो उसकी नेगेटिव थिंकिंग से होता है। और मैक्स मूलर ने, एक बहुत ही प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान मैक्स मूलर ने कहा था कि 90% बीमारियां आदमी की नकारात्मक सोच का परिणाम होती है। बिल्कुल। तो अब जो भी है वो यहाँ से निकालना है, वहां से निकल गई, घुटनों से निकल गई। अभी तो स्टार्ट है अर्चना जी, अभी तो 15-20% सूजन और दर्द ही गया है। अभी तो हम रोज शाम को 5 बजे आपसे मिला करेंगे। और नीरजा जी आपके लिए तो इतना सलाम कि आप तो वाकई में विनय जी और अर्चना जी के माध्यम से जो कार्य कर रही हैं उसके लिए तो उसकी उसकी प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। देयर इज नो वर्ड्स एट ऑल। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। मीनल दोषी जी को देखिए तो पता है अंकल, उनको कल ले लेंगे, टाइम 34 हो गया है अपना, तो कल ले लेंगे। तो सुभाष अंकल आप हमारे बड़े हैं, पिता समान हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। आपने जो हमारी अनुशंसा की, प्रशंसा की,
सही में हम उसके लायक नहीं है, लेकिन आप लोगों की इसी प्रेरणा से मुझे लगता है हमारे अंदर और ऊर्जा बढ़ जाती है और हम उतनी ऊर्जा से फिर वापस काम में लग जाते हैं। तो और भी कई काम चल रहे हैं कल। नीरजा जी ऐसा नहीं है, दुनिया में जो जितना बड़ा होता है उसमें उतना ही विनम्रता होती है, और आपने अभी जो शब्द कहे हैं कि आप उतने ऊंची नहीं है, यह गलत है। दुनिया का यह एक नियम है कि दुनिया में छोटे से लेके बड़े से बड़ा व्यक्ति जितना बड़प्पन उसमें होता है, जितना वो बड़ा होता है उतना ही विनम्र है, और आप तीनों लोग इतने विनम्र हैं जिसकी तारीफ के लिए कोई शब्द नहीं। इसलिए इन शब्दों को आप कृपया करके ये कह दीजिए कि आपने, अरे आप वो काम कर रही हैं जो सामान्य आदमी कर नहीं सकता, सोच नहीं सकता। मैं तो 40 साल के प्रशासनिक अनुभव से गुजरा हूँ, अनेक जिलों में कलेक्टर और कमिश्नर रहा हूँ, और मैंने देखा है कि कोई आज की तारीख में सेवा नहीं करता, बल्कि बाजू से स्कूटर और मोटरसाइकिल को निकाल के चला जाता है और आदमी तड़पता हुआ रह जाता है। प्रणाम, आपका आशीर्वाद बना रहे ताकि हम आगे भी लोगों तक, इस माध्यम से लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अर्चना दीदी का, विनय जी का या हम सब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसे लगता हम सब का विजन यही है कि लोगों को हॉस्पिटल में जाना ना पड़े और लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसीलिए हम कर रहे हैं। और कल मेरी अर्चना दीदी से बात हुई थी, विनय जी से बात हुई थी, एक्चुअल में हमारा प्रोग्राम तो 3 दिन तक का ही था, लेकिन पता नहीं भगवान का आशीर्वाद कैसे हुआ ये 48 दिन का हमने सोचा, और आगे अब हम आप सबका आशीर्वाद और ये सब जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं उसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि हम इसे यहाँ समाप्त ना करें, इसको आगे लेके जाए। और कल दीदी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि 48 नंबर का श्लोक हम नियमित रूप से करें, क्योंकि 48 तक के एक एक श्लोक दीदी ने बहुत ही अच्छे से मंत्र अर्थ मंत्र और रीति को पूरे अर्थ की तरह से बताया, और पूरे इसके साथ अधिष्ठान भी पूरे एक एक दिन में एक एक श्लोक हमें करवाया, इतना श्रम करके अब हमारा 48 श्लोक हो जाएगा। तब हम सोच रहे हैं इसको हम संगम स्पिरिचुअल हीलिंग हॉस्पिटल का नाम देंगे, S2H2 का। तो दीदी कल अनुमति मिल गई है, विनय अंकल की भी हमारी अनुमति मिल गई है दोनों, और हम थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं कि उसका क्या रूप रखा जाएगा, क्या प्रारूप होगा। और हम क्या दीदी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं ठीक है ना, आप जो नहीं जा पा रहे हैं और यहाँ जुड़े हुए इतने लोग जो है उनको काफी फायदा हो रहा है, बड़े से बड़ी असाध्य रोग भी यहाँ पर ठीक हुए 48 दिन में कई लोगों के, इसलिए हमने इसको संगम हॉस्पिटल का नाम दे दिया है। और जो नीरज जी कह रहे हैं, कल हमारी काफी लंबी 1 घंटे तक चर्चा हुई नीरज जी के साथ, तो हम इसके बाद विधान करेंगे, उसका समापन नहीं करेंगे पर विधान एक कर लेंगे। 48 दिन की इतनी लंबी हमारी महासीरीज चली है तो सभी देवी देवताओं का आगमन कर हम एक विधान जरूर करेंगे, और उसके बाद हमने सोचा है कि 45 नंबर श्लोक जो लोग कर नहीं पा रहे 21 दिन तक साधना, सुबह नहीं उठ पाते हैं, उनके लिए हम 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे मंत्र चैंटिंग सिर्फ 45 नंबर श्लोक की करेंगे 21 दिन तक सिर्फ एक श्लोक करेंगे, कि जो बोलते कि हम नहीं कर पाते, उठ नहीं पाते हैं, तो उनको इसमें ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ेंगे कि जो नहीं कर पा रहे उनके लिए 21 दिन तक ये हीलिंग सेशन चलेगा संगम हॉस्पिटल में। अब इसका नाम हमने बदल दिया, संगम सीरीज के जगह संगम हॉस्पिटल नाम रख दिया। इस हॉस्पिटल में सभी लोग आए जिनके भी असाध्य रोग, जिन्हें भी जितनी भी जो भी बड़ी बड़ी तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, और वो 21 दिन हमारे साथ 45 नंबर की साधना करेंगे और वो अपने आप को सुख समृद्धि साम्राज्य में पाएंगे। हमारी इतनी कोशिश है, सब आप लोगों के वजह से ये हो रहा है, हम लोग कुछ नहीं है करने वाले, हम लोग सब निमित्त मात्र है, आप लोगों की श्रद्धा भक्ति है। इसमें एक बात और बता दूं, अभी हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमने 30 हीलर्स तैयार किए थे, उनमें से कुछ लोग इसमें होंगे इस मीटिंग में, जूम मीटिंग में, तो उन लोग भी हम लोगों को ग्रुप हीलिंग देंगे, मतलब सभी लोग हीलिंग करेंगे, सभी की एनर्जी मिलेगी, अब पता नहीं किसकी क्या एनर्जी मिल जाए किसको, और हम लोग उनको भी मंत्र रिद्धि बोलने के लिए यहाँ पे आमंत्रित करेंगे,
तो अर्चना जी श्लोक बोलेंगी और जो ट्रेनर हमारे जो तैयार हुए हैं उनमें से कोई मंत्र बोलेगा और कोई रिद्धि बोलेगा। इसी बीच बहुत ही अच्छा एक ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी हमने लिया था। काम तो हमारे पास बहुत आए थे लेकिन हमने 30 लोगों को उसमें सिलेक्ट किया था और वो 30 लोगों ने विदाउट फेल, एक दिन भी कोई फेल नहीं हुआ। 30 के भलाई 34 मेंबर होते थे उसमें, लेकिन हमने उनको एकदम एकदम एक्यूरेट ऐसे हीलर बना दिए है, एकदम ट्रेनिंग देके कि बहुत अच्छे वो हीलर बन गए हैं। वो भी हमारे ग्रुप में, हम चाह रहे कि उनको भी मौका दे तो वो भी अपने मुखार से मंत्र बोलेंगे, कोई रिद्धि बोलेगा, कभी कोई बोलेगा, कभी कोई बोलेगा, और इस प्रकार से ग्रुप हीलिंग एक यहाँ चलेंगी। क्योंकि जो भक्तांबर है ये स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करता, ये लिप्स ऑन बाउंड्स एकदम मल्टीपल में काम करता है भक्तांबर। इसलिए जितने ज्यादा लोग इसमें जुड़ते हैं, जैसे 100 लोग डेली इसमें जुड़ रहे हैं, 90 झूम पे है और 10-15 लोग फेसबुक पे जुड़ते हैं, 110 लोग करीब इसमें डेली रहते हैं, तो 110 कर लीजिए आपको इसको मल्टीपल बाय 110 जो हम पढ़ते हैं इसको इनपुट 110 कर लीजिए तो उतनी बार आपको ये हीलिंग मिलती है। इसलिए इतने जल्दी जल्दी रिजल्ट आते हैं। सागर की संध्या जैन का तो मुझे रह रहे के गजब होता है, सारी दुनिया के डॉक्टर्स हार गए, बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात, नागपुर, सागर, इंदौर, कहाँ कहाँ एक नहीं की उनने, लाखों रुपए के पैड इस्तेमाल कर ली। और हीलिंग लेती थी तो कहती मैं पैड डब्बे में बैठ के हीलिंग लेती थी बोलते आपका, और 7 दिन में ही उसका चमत्कार देखो कि आज वो 2-2 घंटे बैठ रही है अनुष्ठान में और उसको उठना नहीं पड़ रहा उनको, यानी बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीजें हमें प्रेरणा देती है, आप लोग जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और इसी से हमारी ये सीरीज लंबी आगे चलती जा रही है। पहले तो हमने सिर्फ 3 दिन रखा था, हेल्थ, वेल्थ एंड एजुकेशन। पहले दिन 2 हेल्थ के, दूसरे दिन एजुकेशन और तीसरे दिन वेल्थ। 3 दिन का हमारा सिर्फ सीरीज था ये, लेकिन भगवान ने पता नहीं क्या चाहा, ये सब डिवाइन कराता है, हम करने वाले कोई नहीं होते, सब डिवाइन कराता है। और ये सीरीज इतनी 48 दिन की और वो भी अष्टानिका महापर्व के समापन में ये हो रही है। ये जो 8 श्लोक बचे हैं ये 8 दिन अष्टानिका में हो रहे हैं, इसका समापन 8 दिन ये अष्टानिका पर्व में हो रहा है, ये बहुत महान बात है। अष्टानिका का आखिरी दिन और हमारे 48वें श्लोक का आखिरी दिन, एक कोइंसिडेंट हो गया, कोइंसिडेंट, सोचा नहीं था, कोई सोच के कोई प्लानिंग करके नहीं किया था और ये ऐसा हो गया, एक महान सीरीज का ऐसा समापन हो रहा है। और इस समय आपको पता है नंदीश्वर द्वीप में सारे देवी देवता, पूरा स्वर्ग लोक खाली हो जाता है, पूरा स्वर्ग लोक खाली हो जाता है, सारे देवी देवताएं नंदीश्वर द्वीप जाके भगवान की पूजा पाठ करते हैं इस समय। और वो अक्रूतिम चित्तालय को हम यहीं से नमस्कार करेंगे, वहां के जो 108 जिन बिंब है उनको हम यहीं से नमस्कार करते हैं। और नीरज जी आगे बोलिए। आज के सभी पार्टिसिपेंट्स डॉक्टर अर्चना जी जैन, विनय जी जैन मलेशिया से, रजनी जी और संतोष जी, संतोष अंकल का, आप सभी का संगम फाउंडेशन की ओर से मैं तहे दिल आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी के प्रति पुनः बहुत बहुत कृतज्ञता, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तो ठीक समय पे तैयार हो जाइएगा। जय जिनेन्द्र, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।